हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विभा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6। द चैप्टर नंबर इज 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फुटबॉल, अ लाइफ चेंजर फॉर झारखंड गर्ल्स। यहाँ पर एक गेम के बारे में आपको बताया जाएगा इस स्टोरी में, फुटबॉल, जो कि झारखंड की कुछ लड़कियों के लिए एकदम लाइफ चेंजर का काम करता है। फुटबॉल गेम से उनकी जिंदगियाँ बदल जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडी, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ वॉट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। पीले, ये एक पर्सन है पीले, उन्होंने कहा है कि सक्सेस जो है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अचानक से नहीं मिलती, इसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती है। परसिवरेंस मीन्स होता है डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारे अंदर, लर्निंग सीखना पढ़ना, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उस चीज़ के लिए है कि आप जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं यू हैव टू लव इट। ठीक है, आपको वो चीज़ें उनसे प्यार करना चाहिए, ठीक, तब आप कहीं जाकर वो चीज़ें सीख पाते हो। द ओनली वे टू विन एज अ टीम। तो वो कहते हैं एक सबसे बेहतरीन तरीका जीतने का ये होता है कि आप एक टीम की तरह वर्क करें। ठीक है, इंडिविजुअली आप जो चीज़ इतनी आसानी से नहीं कर सकते, वो अगर आप एक टीम की तरह करते हो तो आप आसानी से जीत सकते हो। पील अ ब्लैक पर्ल, द ब्लैक पर्ल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। ये जो पीले हैं ये एक खुद एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, जो जिनको अगर गेम हिस्ट्री हम उठाकर देखें तो इनका नाम जो है वो जाने माने फुटबॉलर्स में आता है। ही वॉज अ पुअर बॉय एंड हु प्लेड बेयर फुट एंड विद अ मेकशिफ्ट बॉल। ये एक बहुत गरीब घर से थे, बच्चे थे, और ये नंगे पैरों खेला करते थे। उस टाइम पे इन पे शूज़ भी अवेलेबल नहीं थे, और अपनी जो फुटबॉल की ये प्रैक्टिस किया करते थे वो मेकशिफ्ट बॉल से करते, मतलब एक आम सी छोटी सी बॉल जो लेकर उससे ये अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। इट वॉज़ हिज सिंसियरिटी, ये उनकी सिंसियरिटी थी, डिटर्मिनेशन था एंड हार्ड वर्क था, और अपने गेम के प्रति उनका डेडिकेशन था, समर्पण था। ठीक है, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, बहुत सिंसियरिटी से इस चीज़ को किया, इसके लिए बहुत कठिन मेहनत की, विच मेड हिम द सुपरस्टार ऑफ फुटबॉल, जिसकी वजह से वो फुटबॉल के क्षेत्र में एक सुपरस्टार की तरह अपनी पहचान बना पाए। डू यू Have a dream that you want to fulfill? अब आपसे ऑथर जो है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपका भी इसी तरीके का कोई ड्रीम है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं। What characteristics do you think you need to have in order to fulfill your dream and achieve what you want? वो कहते हैं कि क्या आपको कौन सी characteristics, मतलब किन चीज़ों की आपको क्या लगता है कि आपको अपने उस सपने को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, जो सपना आप चाहते हो या आपने सोच रखा है उसके लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या characteristics उसमें होनी चाहिए? Do you have them? क्या आप उन्हें क्या आप में वो चीज़ें हैं? डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे उन गर्ल्स के बारे में जो बेसिकली इस चैप्टर का टाइटल है। रीड द रिमार्केबल इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ गर्ल फुटबॉलर ऑफ झारखंड, झारखंड की गर्ल फुटबॉलर्स की स्टोरी, ये इंस्पिरेशनल यानी कि प्रेरणादायी स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑन वन नाइट 13 जुलाई 2013 एज अ मोस्ट ऑफ इंडिया स्लैप्ड 18 गर्ल्स फ्रॉम झारखंड वर जॉयसली स्क्रीमिंग वंदे मातरम एज दे लिफ्टेड द ट्रॉफी आफ्टर बीइंग प्लेस्ड थर्ड इन प्रेस्टिजियस गेस्टीज कप इन स्पेन। 13 जुलाई 2013 को जब सभी पूरा इंडिया सो रहा था, तो यहाँ हमारी 18 गर्ल्स जो थी झारखंड की, वो बहुत खुशी से ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम चिल्ला रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में एक ट्रॉफी उठा रखी थी जो कि उन्हें एक प्रेस्टीजियस गेस्टेज कप स्पेन में खेला गया था, उसमें उन्हें सबसे जाना माना, प्रेस्टीजियस मीन्स होता है रेस्पेक्टफुल, ठीक है, रेस्पेक्टेड, ये जो आप मीनिंग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेस्टीजियस मीन्स होता है रेस्पेक्टेड, एक उनको कप मिल रहा था, ट्रॉफी वो जीत चुके थे जिसमें उन्हें थर्ड प्लेस मिला था। ठीक है, इसलिए वो खुशी से बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लोग वंदे मातरम चिल्ला रहे थे। दे वर प्लेस थर्ड आउट ऑफ 10 टीम्स, 10 टीमों में से उनको जो है वो थर्ड प्लेस मिला था इन द गर्ल कैटेगरी, गर्ल्स की कैटेगरीज में, विद 2 विन्स एंड 2 लॉसेज एंड अ ड्रॉ, जिसमें उन्होंने 2 मैच जीते थे, 2 हार गए थे और 1 मैच ड्रॉ हुआ था, तो उसकी वजह से उन्हें थर्ड प्लेस मिला था 10 टीमों में से, जिस वजह से वो लोग बहुत खुश थे। एज सुन एज द अनाउंसमेंट ऑफ आर विन वॉज मेड, वो कह रहे जैसे ही हमारी जीत
का अनाउंसमेंट, घोषणा की गई। वी रज्ड टू द ड्रेसिंग रूम, हम ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ते हुए गए। टू चेंज इन टू अवर ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर साड़ी, हमें वहाँ अपनी ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर की साड़ी पहननी पड़ी, विद वाइट साड़ी जिसमें रेड बॉर्डर था, ठीक है, विद प्लास्टिक फ्लावर्स इन आर हेयर, और हमें अपने बालों में, ये इन लोगों ने देखो लगा रखे हैं, हेयर्स में अपने प्लास्टिक के फ्लावर्स लगाने थे। प्राउडली क्लेमिंग टू द वर्ल्ड दैट वी वर फ्रॉम इंडिया, और हम बहुत गर्व के साथ वहाँ पर कह पा रहे थे कि हम इंडिया से हैं। वी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात हम सो नहीं सके। ये कोई गर्ल है जो बता रही है आपको वहाँ का के बारे में। दिस वॉज नॉट ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ युवा, ये सब कुछ अगर हो पाया तो सिर्फ युवा की वजह से। युवा एक ग्रुप है जो इन ऐसे बच्चों के लिए, फुटबॉलर्स के लिए एक प्रोजेक्ट है या कह लीजिए इंस्टीट्यूशन है, जो इस तरीके की गर्ल्स को या बॉयज़ को, मतलब बच्चों को सपोर्ट करती है ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें, ठीक है। सेड रिंकी कुमारी वन ऑफ द गर्ल, उन सभी लड़कियों में से एक गर्ल है जिसने ये इस बारे में बताया कि जब हम जीते तो हम कैसा महसूस कर रहे थे, कैसे जल्दी जल्दी हम लोग ड्रेसिंग रूम में गए, वाइट साड़ी थी जिसमें रेड बॉर्डर था वो हमें पहननी थी, हम रेडी हुए और हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हम अनाउंस जब हमने किया कि वी वर इंडियंस, कि हम इंडिया से हैं, और ये सब कुछ इसका क्रेडिट वो देती है युवा को, अपने उस संस्था को, इंस्टीट्यूट को। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द युवा इंडिया अंडर 14 ऑल गर्ल्स टीम हैड प्लेड आउटसाइड द विलेज ऑफ ओरमांझी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ रांची, द कैपिटल ऑफ झारखंड। वो कहते हैं ये पहली बार ऐसा हुआ था कि युवा इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के अंडर जो बच्चे सीखते हैं उसमें 14 साल की लड़कियों की ये टीम गई थी, और जो कि अपने गांव और मांझी जो गांव का नाम है वहां से बाहर गई थी। ये कहां का था? रांची। रांची का बाहरी क्षेत्र, मतलब बाहरी एक गांव कह लीजिए, छोटा सा गांव था रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, ठीक है। वहाँ के एक छोटे से गांव से ये लड़कियाँ जिन्होंने युवा इंस्टीट्यूशन से जो कि प्रैक्टिस की थी, वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, और ये पहली बार अपने गांव से बाहर निकलकर कहीं परफॉर्म करके आए थे और जीत कर आए थे। टीम वॉज फॉन्डली कॉल्ड सुपर गोट बाई द ऑर्गेनाइजर्स इन स्पेन। स्पेन में इस टीम को बहुत शौकिया तौर पे वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे स्पेन के, उन्होंने इन गर्ल्स का जो ग्रुप का नाम रख दिया था सुपर गोट्स, ठीक है। सिंस दे प्लेड, जैसे ही जैसे वो खेलने लगे बेयर फुट मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैचेस, क्यों? क्योंकि वो लोग जिस समय प्रैक्टिस करते थे उस टाइम वो लोग अक्सर, ये लड़कियां भी बेयर फुटेड मीन्स नंगे पैरों इन लोगों ने प्रैक्टिस की थी। दैट वाज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि द टीम हैड लिमिटेड फुटबॉल गियर एंड कुड नॉट अफोर्ड टू स्पॉइल देम बिफोर द टूर्नामेंट बिगिन, ठीक है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ही फुटबॉल्स थी, फुटबॉल गियर जो होते हैं वो लिमिटेड थे, मतलब उनके पास अभी भी जो वो अपने मतलब कॉस्ट्यूम्स या फिर बॉल्स या फिर जो भी इनको प्रैक्टिस के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ये लोग गांव से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े एरिया से नहीं थे, इनके पास उतने संसाधन नहीं थे, फैसिलिटीज़ वैसी नहीं थी, इसलिए इन्हें ये लोग सोचते थे कि प्रैक्टिस करते समय हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट में हमें उन सभी बूट्स की, क्योंकि वहाँ तो रूल्स होते हैं, उन चीज़ों के बिना ये खेल नहीं सकते थे, अगर कम पड़ जाते तो ये कहाँ से अरेंज करते, तो ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए हर, चाहे इनके हाथों में चोट लगे पैरों में, वैसे ही करते थे नंगे पैरों और बिना उसके फुटबॉल्स, अच्छी फुटबॉल्स की, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें इन लोगों ने अपनी उसके लिए टूर्नामेंट के लिए सेव करके रखे हुए थे। बट द टीम वॉज नेवर डिसहार्टेंड, लेकिन वो टीम कभी भी डिसहार्टेंड मीन्स डिस्करेज नहीं होती थी, कभी भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। देवर चीयर्ड एवरीवेयर दे वेंट, उनकी हर जगह लोग उनको चीयर्ड करते थे, मतलब उनकी तारीफ करते थे। एवरीवेयर दे वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाते थे, ठीक है। दे वुड ब्रेक इन टू सॉन्ग एंड डांस ऑलवेज, वो हमेशा जब भी वो जीतते थे तो वो खूब हंसते थे, गाना गाने लगते थे, इवन डूइंग द झूमर, बल्कि यहाँ तक कि वो झूमर भी करने लगते थे, क्योंकि झारखंड का जो फेमस ट्रेडिशनल डांस है वो झूमर है। विद अ टीम फ्रॉम स्पेन एट द सेन सेबेस्टियन रिकाउंटेड संदीप छेत्री युवा सेक्रेटरी विद अ टीम, बोले कब इवन डूइंग द झूमर, वो जो टीम सेक्रेटरी थे इनके युवा के, ठीक है, संदीप छेत्री, उनके साथ भी ये लोग वहाँ डांस करने लग जाते थे, ठीक है, अपनी टीम के साथ में। बट हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, ठीक है, अब वो यहाँ से आपको बता रहे हैं कैसे युवा लॉन्च हुआ और कहाँ से इन गर्ल्स को ट्रेनिंग मिली एंड ऑल। इन 2008 फ्रांज गैसलर पोस्ट ग्रेजुएट इन पोलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी फाउंडेड युवा विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स। ये 2008 की बात है जब फ्रेंच गेसलर नाम के एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी में बोस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उन्होंने इस अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर की मदद से इस युवा को
फाउंडेड किया था, कि इसको मतलब खड़ा किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। गैसलर वॉज एन अमेरिकन नेशनल हु वॉज टीचिंग चिल्ड्रन इन झारखंड एज अ पार्ट ऑफ एन जी ओ एट द टाइम। वो कह रहे हैं जो ये गैसलर हैं ये अमेरिका के रहने वाले थे जो झारखंड के बच्चों को पढ़ाते थे, क्यों, क्योंकि ये एक एन जी ओ का पार्ट थे। एन जी ओ क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए जो लोग आगे आते हैं। तो वो गैसलर जो है वो एक एनजीओ के लिए काम करते थे, एंड इट वाज हिज आइडिया ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी अमंग गर्ल्स इन द एरिया। और इनका जो मेन मकसद था वो ये था कि हम मुझे चाइल्ड मैरिज, ये जो बाल विवाह होते हैं उनके, और इलिटरेसी जो गर्ल के अंदर है अशिक्षा, ठीक है, उनको शिक्षित कराना और उनकी चाइल्ड मैरिज को रोकना, इनका मेन मकसद यही था कि मुझे उसके अगेंस्ट लड़ना है। गैसलर रिमेंबर्स हाउ अ गर्ल स्टूड अप, कैसे उनको ये हमेशा ये याद रहता था कि एक लड़की को कैसे खड़ा करना है, एंड आस्क इफ ही कुड टीच देम फुटबॉल व्हेन ही वॉज टीचिंग वॉलेंटियरली फॉर अ लोकल एन जी ओ इन 2009। वो कहते हैं कि इफ़ ही कुड टीच, उनको उनके मन में आता है कि क्यों ना मैं इनको फुटबॉल सिखाऊं, ठीक है। व्हेन ही वॉज टीचिंग वॉलेंटरली, जब उन्हें वो अपनी तरफ से विदाउट टेकिंग मनी, वॉलेंटरली मीन्स होता है बिना पैसे के, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं एक एनजीओ के लिए 2009 से वो पढ़ा सकते हैं तो वो कह रहे हैं क्यों ना मैं इन्हें फुटबॉल भी सिखाऊं। दैट इज़ हाउ युवा वॉज बॉर्न, इसी वजह से युवा का जन्म हुआ, यहीं से युवा का जन्म हुआ। क्यों, युवा जो है वो एक ऐसी संस्था थी जो फुटबॉल ट्रेनिंग दिया करती थी न्यू कमर्स को, ठीक है। गैसलर एंड हिज फ्रेंड रेज स्कॉलरशिप इन टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। गैसलर और उसके फ्रेंड्स ने इसके लिए एक कुछ स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, अ ग्रेट ग्रांट और पेमेंट मेड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स एजुकेशन अवार्डेड ऑन बेसिस ऑफ एकेडमिक एंड अदर अचीवमेंट, ठीक है। उन बच्चों को मदद करने के लिए इन लोगों ने कुछ मनी का अरेंजमेंट किया, स्कॉलरशिप्स का, ठीक है, कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उनको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इन 2009 युवा टुक शेप एज अ फुटबॉल इंस्टीट्यूशन। धीरे धीरे जब इसको मतलब धीरे धीरे भाई जब कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में शुरू की जाती है तो उसको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसको एक फुटबॉल इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा कर दिया गया युवा को के नाम से, ठीक है। युवा वर्क टू प्रोवाइड देम विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रू स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। युवा एक ऐसी जगह थी जो प्रोवाइड करती थी, इन सबको उपलब्ध कराती थी क्या, नए नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रू द स्पोर्ट्स, चाहे वो गेम के फील्ड में हो या फिर उन्हें एजुकेट करना हो, शिक्षा दिलानी हो। इट हैज़ बीन देन 10 ईयर्स युवा उनाव रन्स अ फुल फ्लेज स्कूल विद 90 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं ये लगभग कितना टाइम बीत चुका था, 10 ईयर्स हो चुके थे और युवा अब पूरी फुल फ्लेज्ड यानी कि कम्प्लीटली डेवलप हो चुका था। फुल फ्लेज्ड मीन्स फुली डेवलप्ड, तो ये जिसमें कि अब पूरे 90 स्टूडेंट्स आने लगे थे और वो लगातार वो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। एज ऑफ टुडे 30 किड्स ट्रेन डेली अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज कोचेज। वो कह रहे हैं अब और आज के समय में वहाँ लगभग 300 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है डेली, और किसके गाइडेंस में, इन्हीं कोचेस के गाइडेंस में। क्लोज टू 270 ऑफ दीज ट्रेनीज आर गर्ल, इसमें से और इनमें से लगभग 270 जो हैं वो ट्रेनीज जो भी ट्रेनिंग वहाँ ले रहे हैं वो सिर्फ और गर्ल्स हैं। इन अ स्टेट वेयर ट्राइबल्स और आर प्रीडोमिनेंट, वो कह रहे हैं इन स्टेट उस राज्य में जहाँ पर ट्राइबल यानी कि ये जो आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, विलेज एरियाज में आर प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट मीन्स होता है प्रेजेंट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में यही लोग, कबीला जिसको बोलते हैं ट्राइबल्स, ठीक है, कबीले के लोग थे जिनका सबसे ज़्यादा बाहुल्य था यानी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वही लोग रहते थे, प्रीडोमिनेंस था उन लोगों का वहाँ पे। फुटबॉल गिव्स देम अप द पावर एंड पेव्स ऑफ पेव्स द लाइफ फॉर द हायर एजुकेशन। जो फुटबॉल है वो उन्हें क्या देती थी, उन्हें पावर मिलती थी उससे और उनको आगे बढ़ने में का एक नया रास्ता मिल चुका था जिससे उन्हें वो हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। फॉर दीज गर्ल्स देयर इज नो ग्रैंड स्टेडियम अवेलेबल टू ट्रेन। उन लड़कियों के लिए कोई वहाँ पे बहुत बड़ा शानदार स्टेडियम नहीं उपलब्ध नहीं था कि जहाँ वो ट्रेनिंग ले सकें। दे केम फ्रॉम कोल माइन विलेज लाइक हचप, कर्मा, कोलेरी एंड रुक्का इन
और मांझी, ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची जो जिला था वहाँ के एक छोटे से ब्लॉक से और मांझी से के छोटे छोटे गांव से ये लड़कियाँ आती थी, जो कि लगभग कोल माइंस यानी कि जो कोयले की खाने होती हैं वहाँ पे ये लोग शायद काम वाम किया करते थे, वहाँ से ये लड़कियाँ आती थी। तो इनके लिए कोई जो ग्रांड स्टेडियम चाहिए होता है फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, विद नो डेडिकेट टेड फुटबॉल फील्ड अवेलेबल एंड नो स्टेडियम फॉर डेली प्रैक्टिस, द गर्ल्स प्रैक्टिस्ड इन पैडी फील्ड्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फुटबॉल फील्ड नहीं था, अवेलेबल नहीं था, कोई स्टेडियम नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये गर्ल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रैक्टिस किया करती, इन अ पैडी फील्ड, पैडी मीन्स मिट्टी के जो मैदान होते थे, ठीक है, वहाँ पे। लेटर दे सेटल्ड फॉर क्लीनिंग इन द एग्जसेंट जंगल टू गेट द फील ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। ठीक है, बाद में क्या होता था, ये लोग धीरे धीरे, इन लोगों ने अपने आस पास का जो जंगल था उसी को धीरे धीरे उसकी क्लियरिंग, उसको साफ़ किया, पे मतलब कटाई की, मिट्टी को लेवल किया, और इस तरीके से उन्होंने वहीं पे वो लोग फुटबॉल फील्ड तैयार करना शुरू किया, ताकि उन्हें भी वही फील आ सके जो बड़े से बड़े फुटबॉल फील्ड में आती है। तो उन्होंने अपने आसपास का ही जंगल को काट छांट के, सफाई करके, वहाँ क्लियरिंग करके, और उसको ही अपने लिए फुटबॉल की प्रैक्टिस का पूरा फुटबॉल फील्ड की तरह तैयार किया, उस जंगल को, ठीक है, जो उनके बिल्कुल आसपास के क्षेत्र में जंगल सा था। इन मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल, वो कह रहे हैं कि फुटबॉल का जो मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता था। फॉर अ ग्रुप ऑफ 18 टीनेज गर्ल्स इन पॉवर्टी स्ट्राइक इन झारखंड, इट प्राइमरली मीन्स फ्रीडम एंड अ सोशल सेफ्टी नेट। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो 18 साल की टीनेज गर्ल्स हैं जो गरीबी में रहती हैं, जो झारखंड में के क्षेत्र में, ठीक है, इट प्राइमरली मीन्स फ्रीडम एज अ सोशल सेफ्टी नेट। ठीक है, शुरू में जो था मोस्टली जो है वो उनका मतलब ये होता था कि उनको एक फ्रीडम मिलेगी, एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, ठीक है, उनका मीनिंग मेन वो इस तरीके से समझते थे इस गेम को, कि अगर ये गेम्स वगैरह खेलना सीख जाएंगी तो इनको कुछ स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, कुछ सामाजिक सुरक्षित फील करेंगे ये लोग। ठीक, दे आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, वो ये जो गर्ल्स थी ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, समर्पित थी अपने गेम के प्रति और बहुत मेहनती थी। द डे बिगिंस फॉर देम एज अर्ली एज 5:30 AM व्हेन द गर्ल्स साइकिल ऑन रेन ड्रेंच्ड पाथ टू मेक इट इन टाइम फॉर क्लास। ठीक है, ये जो गर्ल्स थी जैसे ही दिन शुरू होता था इनका दिन जो है वो 5:30 AM से स्टार्ट हो जाता था। व्हेन द गर्ल साइकिल, जी गर्ल्स जो है वो साइकिल से चल जाती थी ऑन द रेन ड्रेंच, रेन से बारिश से जो पूरा भीगा हुआ रास्ता होता था, टू मेक इन द टाइम फॉर क्लास, क्योंकि इतनी जल्दी उठकर इन लोगों को इसलिए जाना होता था क्योंकि रास्ता जो है अगर बारिश से भीगा होता था तो बड़ी मुश्किल से ये साइकिलिंग करते हुए वहाँ तक पहुँचती थी। दे अटेंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लासेस एट युवा सेंटर इन ओरमांझी बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले ये युवा सेंटर पर जाती थी और वहाँ पर इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस भी लिया करती थी। ऑल दीज गर्ल्स ऑल्सो असिस्ट देयर लो वेज अर्निंग पेरेंट्स विद हाउस होल्ड चोर्स लाइक स्वीपिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। और ये लड़कियां जो थीं वो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करनी पड़ती थी इन्हें, क्यों, क्योंकि वहाँ ये इन लोगों को कमाई का साधन जो है वो लो वेजेस थे, क्योंकि इन लोगों को बहुत कम मतलब मजदूरी मिलती थी, इसलिए उनके अपने घर के कामों में भी इन्हें हेल्प करनी पड़ती, चाहे स्वीपिंग हो, कुकिंग हो, वॉशिंग क्लोथ्स हो, सब कुछ करना पड़ता था। साथ में ये लोग युवा भी अटेंड करते थे जाके और उसके बाद अपना स्कूल भी ज्वाइन करते थे। दे प्ले फुटबॉल, स्टडी, अटेंड स्पेशल वर्कशॉप, डू समर कोर्स एंड ट्रेवल टू विलेज टू इनकरेज गर्ल्स टू ज्वाइन। ये लोग पढ़ते थे, स्पेशल वर्कशॉप ज्वाइन किया करते थे, समर कोर्सेज किया करते थे और ट्रैवल भी करते थे ताकि और भी और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये लोग इनकरेज कर सकें कि आप भी युवा ज्वाइन करें वहाँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन लोगों ने अपने लिए भी और गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए भी, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी, हर तरीके से। फुटबॉल हैज़ बीन अ लाइफ चेंजर फॉर दीज यंग झारखंड गर्ल्स, और फुटबॉल वाकई में इन सभी झारखंड की इन युवा लड़कियों के लिए एक लाइफ चेंजर यानी कि जीवन को परिवर्तन कर देने वाली अलग गेम बन चुका था। ऑफ मोस्ट फैमिलीज इन द रीजन बिलीव दैट इट इज वाइजर टू सेव मनी फॉर अ गर्ल्स ड्राउरी एज गर्ल्स विल नॉट सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली इन फ्यूचर। बहुत सारी फैमिली थी उस क्षेत्र में जो ये मानती थी कि इट इज़ वाइजर टू सेव मनी फॉर गर्ल्स डाउरी, वो कह रहे हैं उन्हें ये लगता था कि लड़कियों के दहेज के लिए पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, एज गर्ल्स विल नॉट सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली इन फ्यूचर, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो
आगे फ्यूचर में तो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने वाली नहीं, एंड हर एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और उनकी पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. अ गर्ल इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव, उनको जो लड़की थी उसके बारे में सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन थी उनकी, टू गिव प्रायोरिटी टू हाउस वर्क ओवर हर एजुकेशन. उनको ये लगता था कि गर्ल्स के लिए जो प्रायोरिटी, मेन जो उनका काम होना चाहिए, वो सिर्फ घर के कामों को सीखना होना चाहिए, ना कि उनकी एजुकेशन. रूरल झारखंड हैज़ सम ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल इलिटरेसी एंड चाइल्ड मैरिज. ठीक है, जो झारखंड के कुछ अभी भी ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर क्या होता था, सबसे ज़्यादा मात्रा में फीमेल जो थी वो अशिक्षित थी, इलिटरेसी थी वहाँ पर महिलाओं के प्रति, और चाइल्ड मैरिजेस जो है वो सबसे ज़्यादा होती थी. क्यों क्यों? उनका मेन मकसद था कि लड़कियों को पढ़ाना तो है नहीं, बस हमें शादी करनी है, तो वो कम उम्र में उनकी बिना पढ़ाए लिखाए बस उनकी शादियां कर देते थे. ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर चंदा सैड, उनमें से एक प्लेयर है इसी टीम की जो चंदा जिसका नाम है, वो कहती है, उसने कहा, आई प्ले फुटबॉल क्लीन एंड स्वीप माई होम हाउस एंड मेक डिनर. मैं अपना फुटबॉल खेलती थी, अपने घर की साफ सफाई करके खाना बनाती थी. आई डोंट हैव टाइम फॉर मच एल्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता था. इट हैज़ नॉट बीन ईजी, मेरे लिए बहुत ईजी नहीं था. वियरिंग शॉर्ट्स एंड प्लेइंग ऑन फील्ड इज अनथिंकेबल, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत आसान नहीं था कि मैं शॉर्ट्स पहनूँ, नेक जो मतलब हाफ पैंट्स होती हैं वो पहनूँ और फील्ड में जाकर खेलूँ. ये तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे अनथिंकेबल, यानी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया. इन इंडिया ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्राम्स फॉर यंग गर्ल्स आर रेयर, वो कह रहे हैं इंडिया में जो ये गेम होते हैं ग्रास रूट जो फुटबॉल प्रोग्राम होते हैं, यानी कि मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एन एक्टिविटी. ग्रास रूट मतलब बहुत स्टार्टिंग के जो फुटबॉल गेम्स वगैरह होते हैं, तो ये सब बहुत कम होते थे. युवा प्रोजेक्ट हैज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड फुटबॉल एंड हैज़ हेल्प द बैटल अगेंस्ट मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स इन एरिया. रीड अबाउट सम ऑफ द युवा स्टार्स, वो कहते हैं कि लेकिन युवा जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से फुटबॉल का एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन मीन्स दूर दूर तक फैला ये गेम, और इससे हमें मदद मिली जो गर्ल्स की, माइनर गर्ल्स की, यानी कि जो निचले जगहों पर जो लड़कियाँ थीं उनकी जो शादियों को लेकर बहुत अर्ली एज में जो उनकी मैरिजेस हो जाती थी, उन सारी चीज़ों से लड़ने की हमने हिम्मत आई उस एरिया में. तो वो कहते हैं चलिए अब आगे इसी तरीके से युवा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टार्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट, आई विल स्टॉप दिस वीडियो हेयर बिकॉज द चैप्टर इज सो लेंदी, सो आई डोंट वॉन्ट टू मेक द वीडियो सो लॉन्ग सो दैट यू डिडंट फील बोर्ड. आई विल मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एज सून एज पॉसिबल, सो जस्ट वेट फॉर द सेकेंड पार्ट. आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई है, आपको मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है. सेकेंड पार्ट मैं इमीडिएटली बनाती हूँ, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.